चलिए फ्रेंड्स, अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। बनाते हैं छोले। छोले खाना हर किसी को पसंद होता है। आज हम शादी वाले छोले बनाएंगे, जैसे शादियों में छोले बनते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 2 कप छोलों को अच्छे से धोकर इसमें पानी डालकर ओवरनाइट सोक होने के लिए छोड़ दिया था। फिर मैंने इसको अच्छे से साफ करके प्रेशर कुकर में बॉईल कर लिया और ये अच्छे से बॉईल हो गए हैं। आप देख रहे हैं ना फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छे से बॉईल हो गए हैं। बस हमें इसी स्टेज तक इसको लेके आना था। अब हम इन छोलों को साइड में रखते हैं और इसको बनाने का प्रोसेस करते हैं। चलते हैं अपनी गैस की तरफ। फ्रेंड्स, गैस पे एक पैन रखते हैं और पैन में मस्टर्ड ऑयल ऐड करते हैं। मैं यहाँ पर 2 चम्मच के लगभग मस्टर्ड ऑयल ऐड कर रही हूँ और इसको अच्छे से गर्म होने देते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा ऑयल बहुत अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसमें 1/2 टेबल स्पून के लगभग जीरा ऐड करते हैं। 1/2 टेबल स्पून के लगभग ही मैं इसमें सौंफ ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो सौंफ पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और 2 पिंच के लगभग मैं यहाँ पर हींग ऐड कर रही हूँ। इन सभी चीज़ों को अच्छे से सौटी होने देंगे। एक सूखी लाल मिर्च को भी तोड़ के इसमें ऐड कर 2 तेज पत्ते को ऐड करेंगे। 1 टुकड़ा दालचीनी का ऐड करेंगे और 1 बड़ी इलायची को हम इसमें ऐड करेंगे और इन सभी चीज़ों को हम बहुत ही अच्छे से सॉटी कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारी सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से सॉटी हो रही हैं। गैस की फ्लेम को हमें यहाँ पर मीडियम टू स्लो रखना है। अब हम इसमें 1 प्याज, 8 से 10 लहसुन की कलियाँ और 2 हरी मिर्च का पेस्ट ऐड करेंगे और मैंने इसमें 1 इंच अदरक का टुकड़ा भी ऐड किया है। फ्रेंड्स, अब हम इस पेस्ट को अपनी कढ़ाई में ऐड करेंगे और हमें इसे जब तक भूनना है जब तक हमारा प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, अदरक की कच्चेपन की स्मेल ख़त्म नहीं हो जाती। हम इसको लगातार चलाते रहेंगे और अच्छे से भूनते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा मसाला धीरे धीरे भुनना शुरू हो गया है क्योंकि इसने तेल छोड़ना शुरू कर दिया और जैसे जैसे ये भुनता जाएगा इसका कलर भी चेंज होता जाएगा। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारे मसाले का कलर चेंज हो गया है और उसने अपने तेल को भी छोड़ना शुरू कर दिया है। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मसाला बहुत ही अच्छे से भुन के तैयार हो गया है। जैसे जैसे हमारा मसाला भुनता जा रहा है मसाले का कलर अपने आप चेंज होता जा रहा है। इसी तरह से हम मसाले को 1 मिनट के लिए अच्छे से और भून लेंगे ताकि हमारे मसाले में थोड़ा भी पार्ट बचा हो वो भी बिल्कुल अच्छे से पक जाए। फ्रेंड्स, इसके बाद हम 3-4 टमाटर का पेस्ट बना के इसमें ऐड करेंगे और टमाटर के पेस्ट को भी हमें मसाले के साथ मिक्स करके अच्छे से भून लेना है ताकि हमारा टमाटर भी कच्चा ना रहे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने टमाटर के पेस्ट को अच्छे से मसाले के साथ मिक्स करके भूनना शुरू कर दिया। इसको लगातार चलाते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टमाटर ने अपना कलर भी चेंज कर दिया है और ये पैन को छोड़ने लगा। इसका मतलब हमारा टमाटर बहुत अच्छे से पक गया है। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर। मैंने यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च का यूज़ किया है क्योंकि मैंने ग्रीन चिली का इस्तेमाल पहले ही किया था। 1/2 टेबल स्पून के लगभग हम इसमें धनिया पाउडर ऐड करेंगे। धनिया पाउडर ऐड करने के बाद मैं यहाँ पर इसमें चाट मसाला ऐड कर रही हूँ। मैंने 1/4 टीस्पून के लगभग चाट मसाला का यूज़ किया है। 1/2 टेबल स्पून के लगभग काला नमक ऐड कर रही हूँ। काले नमक से भी इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इन सभी मसालों को हम अपनी ग्रेवी के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। इन मसालों को डालने के बाद आप देखेंगे आपके जो छोले बनेंगे वो बहुत ही अच्छे और डिलीशियस बनेंगे। इसके बाद हमने जो छोले बॉईल करके रखे थे उसको अपने मसाले में ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमने छोले और ग्रेवी को अच्छे से मिक्स कर दिया है। आप देख रहे हैं ना छोले का कलर भी कितना अच्छा आया है। इस स्टेज में हम इसमें एक सीक्रेट इन्ग्रीडियंट डालते हैं। हम इसमें यहाँ पर किचन किंग मसाला ऐड करेंगे। अगर आपके पास किचन किंग मसाला नहीं है तो आप गरम मसाले का भी यूज़ कर सकते हैं। ऑप्शनल है, आपको जो डालना है डालिए, नहीं तो आप यहाँ पर छोले मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा छोले मसाला यूज़ कर दिया। इसके बाद इसको अच्छे से चलाएंगे और पैन की लिड को लगाकर इसे 2 से 4 मिनट के लिए बहुत ही अच्छे से पकने देंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए लिड को छोड़ देते हैं। इसके बाद हम अपनी लिड को हटा देते हैं और अपने छोलों को चेक करते हैं। तो फ्रेंड्स, 4 से 5 मिनट हो गए हैं और हमारे छोले बहुत ही अच्छे से पक के तैयार हो गए हैं क्योंकि बॉईल किए हुए तो जो ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स, इस स्टेज में हमें क्या करना है, इस स्टेज में हम एक मैशर लेंगे और अपने छोलों को थोड़ा सा मैश कर देंगे ताकि हमारी ग्रेवी बहुत ज़्यादा थिक हो जाए और खाने में भी बहुत ही अच्छी लगे। फ्रेंड्स, आप इस मैश को, छोलों को मैश बनाने से पहले भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कब मैश करने हैं।
तो फ्रेंड्स ये लीजिए, मैंने थोड़े से छोलों को मैश कर दिया है। मैशर को अलग निकाल देते हैं और उसको एक बार वापस से चला देते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं ना, छोले परफेक्टली बन के तैयार हो चुके हैं। फ्रेंड्स इसके बाद हम इसमें थोड़े से धनिए को बारीक चॉप करके स्प्रिंकल कर देंगे। इससे हमारे छोले का कलर और टेस्ट दोनों ही चीज़ बढ़ जाती हैं। धनिया ऑप्शनल है, आपको डालना है डालिए, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स ये लीजिए, हमारे शादी वाले छोले बनके तैयार हैं, आपको मेरी रेसिपी। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। प्लेटिंग करने के लिए हम एक प्लेट लेते हैं और उसमें अपने छोलों को सर्व करते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए, हमारे छोले बिल्कुल तैयार हैं, देखने में भी कितने डिलीशियस लगते हैं। आप इसे चावल, पूड़ी, पराठा, नान, रोटी किसी के साथ भी खा सकते हैं, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। तो फ्रेंड्स आज आपकी रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन झट से आपके पास पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स कल फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।